दोस्तों, सहेलिया नेटवर्क में KYC2 लाइव हो चुकी है और साथ में नई अपडेट भी आ चुकी है। तो सबसे पहले आपको KYC कैसे करना है वो डिटेल में जान लेते हैं। तो KYC को शॉर्ट में समझिए, चार स्टेप कंप्लीट करने होंगे। पहला है क्लिक KYC ऑन डैशबोर्ड, दूसरा है एंटर योर BEP20 वॉलेट एड्रेस करेक्टली। तो यहाँ से मालूम होता है सहेलिया टोकन BEP20 यानी बाइनांस स्मार्ट चेन पर रन करेगा। तो आपको दूसरे स्टेप में BEP20 का वॉलेट एड्रेस डालना है। आपको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का ही वॉलेट डालना होगा, लाइक मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट, ठीक है। फिर स्टेप 3 है अपलोड एन इमेज ऑफ योर सेल्फ फ्रॉम कैमरा रोल। तो आपका फेस वेरिफिकेशन करना होगा और फोर्थ स्टेप में आपको सबमिट कर देना होगा, ठीक है। सो मेनली दो टास्क है, BEP20 का वॉलेट डालना है और आपका फेस वेरिफिकेशन कर लेना है। तो उसके लिए सबसे पहले न्यू अपडेट अवेलेबल नाउ लाइव। तो KYC करने के लिए सबसे पहला काम आपको एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। इनका अपडेट प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो चुका है। जैसे ही आप एप्लीकेशन को अपडेट करोगे और एप्लीकेशन में आओगे तो आपको सबसे पहले लॉगिन कर लेना होगा, ID पासवर्ड डालना, लॉगिन हो जाओगे। उसके बाद आपको एक बिल्कुल ही नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो टॉप में बैलेंस है और पहले जो लेफ्ट हैंड साइड पॉपअप आता था उसके बजाय यहाँ पर हमको बटन दे दिए गए हैं। माइनिंग वाला बटन है, KYC, एयरड्रॉप, रेफरल, यहाँ पर गेम्स है, अकाउंट्स है, ठीक है। तो आपको KYC करने के लिए डायरेक्ट KYC वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आ जाना है। उसके लिए लेट गेट स्टार्टेड है, वहाँ पर क्लिक कर लेना। यहाँ से आपके पास दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, KYC 1 है वो कंप्लीट हो चुका है और अब ये KYC 2 है वो लाइव हो चुका है। सो आपको KYC 2 पर आ जाना है। तो उसके लिए 3 कंडीशन है, उसको कंप्लीट कर लेना है। तो सबसे पहला KYC 1 वेरीफाइड हो चुका है, दूसरा है करंट माइनिंग, सो माइनिंग सेशन एक्टिव है, तीसरा है 15 डेज माइनिंग स्ट्रिक। तो आपने लगातार यहाँ पर 15 दिन तक माइनिंग किए हुए होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये 3 टास्क कंप्लीट करोगे तो आपका KYC 2 है वो एक्टिव हो जाएगा। अब आपको KYC 2 पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, सबसे पहला BEP20 का वॉलेट एड्रेस है उसको डाल लेना है। अब यहाँ पर आपका फेस वेरिफिकेशन होगा, उसका फ़ोटो अपलोड कर देना है। सो सिर्फ 2 स्टेप में ही आपकी KYC कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर जो भी वॉलेट डालो वो BEP20 का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का होना चाहिए, ठीक है। अब फोटो की बात है तो ये आपका लाइव रिकॉर्डिंग तो नहीं करेगा, लेकिन आपको पहले से एक फ़ोटो लेकर रखना है और उसी फ़ोटो को यहाँ पर अपलोड कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर लेना, आपकी डिटेल सबमिट हो जाएगी। तो डिटेल सबमिट करने के बाद आपकी KYC तुरंत हो जाएगी, तो आप होम वाले पेज पर ही डायरेक्ट हो जाओगे। अब यहाँ पर फिर से आपको KYC वाला ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर लेना है और फिर गेट स्टार्टेड है, यहाँ पर क्लिक कर लेना है और फिर KYC 2 पर चले आना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो KYC 2 वेरीफाइड। सो आपकी KYC तुरंत ही वेरीफाई हो जाएगी और आपका KYC भी सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, इसके अलावा और ज़्यादा फीचर्स है, यहाँ पर गेम्स है तो आप गेम भी प्ले कर सकते हो। सबवे सर्फ है, टेम्पल रन है, जॉम्बीज वाली है और भी बहुत सारी गेम्स है। तो यहाँ पर हमको गेम के बारे में और ज़्यादा डिटेल नहीं दी है, लेकिन इसका कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको होगा ही होगा, ठीक है दोस्तों। सो अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो आप यहाँ से गेम्स वगैरह भी खेल सकते हो। और उसके साथ एक और नया और ज़बरदस्त फीचर है, वो एयरड्रॉप वाला फीचर है। सो एयरड्रॉप वाले फीचर में आ जाना, हमने पहले जो एयरड्रॉप पार्टिसिपेट किए थे वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये कंप्लीट हो चुके हैं और इसका रिवार्ड भी हमको मिल चुका है, वो सहेलिया टोकन में मिला है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। अभी एक्टिव में 0 एयरड्रॉप है, तो जैसे ही नए एयरड्रॉप और नई अपॉर्चुनिटी जाएगी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आपको उस एयरड्रॉप में यहाँ पर पार्टिसिपेट कर लेना है, उससे और ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको सहेलिया टोकन भी देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से आपको सहेलिया नेटवर्क में KYC कंप्लीट कर लेना है और आपका एयरड्रॉप वगैरह का भी और KYC का स्टेटस भी चेक कर लेना है, ठीक है। तो चले मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार अपडेट के साथ एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए कीप माइनिंग एंड कीप अर्निंग।